1 लाख का खिलौना शॉपिंग इन दुबई, 1 लाख का लंच कर दिया, लैम्बोर्गिनी में 15 लाख का खर्चा आ गया, पप्पा से 6 करोड़ की वॉच मांग ली, मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया। देखो अभी इतनी पागलपंती के बाद मेडिकल का बिल 5 लाख तो आ ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पुराने दोस्त YPM व्लॉग्स की, यस यदुप्रियम मेहता। देखो ये YPM व्लॉग्स पार्ट 2 रोस्ट है, हमने पहले भी रोस्ट बनाया है, फिर मैंने देखा भाई आजकल बहुत मजे ले रहे कंटेंट के, तो मैंने सोचा हम भी थोड़े मजे ले। मेरे को जाना पड़ेगा, नो हेट टू यू, पर जिन लोगों को नहीं पता YPM भाई एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, अरे अपने आप को लाइफस्टाइल ब्लॉगर मानते हैं। माने 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 गैंग 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 ने। उसके अलावा भाई अंधाधुन पैसा उड़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। इसका वीडियो देख के ऐसा लगता है RBI वाले हर रात को नोटों से भरी ट्रक भेजते हैं इसे घर पे। इसके पास इतना पैसा है कि वो अलादीन का चिराग रहता है ना, उसमें जो जीनी है ना, वो जीनी इससे 3 विश मांगता है। भाई का पैशन है महंगी चीजें पहले खरीदना और थोड़े टाइम बाद बेच देना। नहीं नहीं भंगार का बिजनेस नहीं। इतना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा, वो अलग होगा इसका, लेकिन उसके लिए भाई अलग वीडियोस बनाते, देखते हैं कुछ आज वीडियोस। अभी मैं एक टॉय स्टोर में आया हूँ और यहाँ पे ना ये हॉट व्हील्स का अल्टीमेट गैराज है, जो कि सबसे बड़ा सेट है इनका। बाइंग टॉयज वर्थ 80,000, मैं बोलता हूँ ये सब छोड़ अच्छी सी एक डिग्री खरीद ले। बट ये इंडिया का पहला लौंडा है जिसे खिलौने लेने के लिए ना जिद करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज़ इससे ज्यादा एक्साइटेड तो इसके पापा होते। तुम इमेजिन करो तुम हैमलीज या कोई टॉय स्टोर में घुसते हो, वहां पर 7 साल के लौंडो से ज्यादा 20-25 साल का बच्चा एक फुल तिल मिला रहा है। 10 लाख एक्सपेंसिव टॉयज कलेक्शन, लार्जेस्ट टॉय कलेक्शन ऑफ इंडिया, फाइनली ये मिल गया बैंकॉक में, बिगेस्ट टॉय मॉल इन द वर्ल्ड। ओके देखो इतना शरीफ लड़का देखा है बैंकॉक में भी खिलौने ढूंढ रहा है। बात यह है कि पैसा इतना है कि खर्च करने के लिए अभी चीजें कम पड़ रही है दुनिया में। यही था सीन की मेरे को ढूंढना है एस्ट्रो बॉय, हाँ रेड बूट्स वाला, बट मेरे को इसका चाहिए बिल्कुल छोटा वाला फिगर, ये सेम बूट्स। खिलौनों से इंस्पायर होना अलग बात है, लेकिन ये डॉल से इंस्पायर होकर रियल लाइफ खिलौना बनना अलग बात है। ये भाई सुपरमैन की चड्डी नहीं लाया। हम भाई पहुंच गए कनॉट प्लेस के अंदर और अंकल जी आज कैसा रिएक्शन? इतना रिएक्शन तो YouTube पे YouTube चैनल वाले नहीं देते जितना ये खुली सड़कों पे ढूंढने निकलता है। क्या कर रहा है इंसान? ज्यादा पी लिया लगता है इसने, करना क्या चाह रहा भाई यार, पागल हो गया लगता है इंसान। ओ भाई सल्यूट है भाई इस टैलेंट को। एक तो मुझे क्या कह रहे हैं बताओ भाई, मॉल में क्रेडिट कार्ड वालों को भी कोई इतना इग्नोर नहीं करते जितना तेरे को कर रहे। बड़े जूते पता है आदमी ने क्यों लिए? क्योंकि उसमें अपना दिमाग रख सके। Bro, how much is the outfit for? भाई की टी-शर्ट है 5,000 रुपए की, शॉर्ट्स है 5,000 रुपए की, घड़ी है 6 लाख की, ये कितने के हैं? 90,000। ये 90,000 के हैं। And चड्डी? नहीं मान गया भाई, मान गया, सच में मान गया राजकुमार हिरानी जी को। अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ अच्छे ज्योतिष भी है वो, तभी तो ये नमूने का प्रेडिक्शन 2009 में कर दिया था। क्या भाई, अरे $300 के शूज है, अरे 4 लाख की थी मेरी, 1.5 लाख की शेरवानी। भाई में ये क्षमता है कि दुनिया के सबसे रिलेटेबल कंटेंट को भी अनरिलेटेबल बना सकते हैं। मतलब बंदे ने जो क्रॉस लेग करके स्नीकर पे पैर रखा है रोज होता है मेरे साथ, ये जो ये एंगर है ना, ये उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो व्लॉग देखते हैं इसके। बेटा इतनी बेइज्जती मारूंगा ना तुम लोगों की, जो 1 लाख का लंच कर दिया। गाइज ये वर्ल्ड का ओनली 7-स्टार होटल है जहाँ पे आज हम अपनी स्नैकिंग करने के लिए आए हैं। ये इनकी ना 24 कैरेट की गोल्डन कैपेचिनो है, उसकी कॉस्ट है 120 देना। आ गया है ऑर्डर गोल्डन कैपेचिनो। ए क्या 1 लाख का लंच और लंच में कॉफी चीज प्लेटर। एंड गाइस ये हमारा आ चुका है बिल 705 दिरहम का, यानी ऑलमोस्ट 16,000 रुपए का। 16,000 बिल तो इंडिया के किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट में भी आ जाता है, उससे ज्यादा आता है। 1 लाख किधर, 1 लाख का लंच किधर है? मैं पागल हूं। हाँ इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है क्या रियान पर आगे क्या तू? इसके हिसाब से आदि पुरुष की कलेक्शन 5,000 करोड़ हुई रहेगी। MRP पे 2,000 लिखा था ना, इसको 20,000 दिखता है। पूरे 400 रुपए का खरीदा है, महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते कोई महंगा खरीद लिया। 1.2 करोड़ की डायमंड रिंग। अभी भाई फिलहाल यहाँ पे शॉपिंग हो रही है और यहाँ पे एक ये रिंग है टिफनी की 43,55,000 की, वो थाई बाट है 1 करोड़ प्लस चली गई है। रिंग तो तूने लिया ही नहीं। मैं पागल नहीं हूँ भाई, मेरे को पागल क्यों बोल रहे हो? ऑडियंस ऑल्सो बॉट इट, 1.2 करोड़ की रिंग दिखाई, टाइटल में लिखा है खरीदी, लेकिन
खरीदा कुछ और। तो हाथी के दांत दिखाने के अलग और चबाने के अलग होते हैं, लेकिन इसके दांत ही नहीं है, दांत की जगह पे मुंह में 32 डायमंड है भाई के। एक एक कैरेट टोटल 32 करोड़ का मुंह है इसका। 16,000 का खाना खाने के लिए 32 करोड़ का मुंह लेके घूमता है, और निकालने के लिए बाइंग 3 लाख का पर्स। छुट्टे लेने गया तो उसका भी रील बना दिया गया। ये व्लॉगर नहीं है, ये जादूगर है। इतनी हाथ की सफाई तो जादूगर भी नहीं करते। 1 लाख टॉय शॉपिंग इन दुबई दिखाना है। इसका जो बेलिंग है कितने की हुई है? 1700। कितना हुआ 1700? 42,000 रुपए के टॉयज। क्लिक बेट कर रहे हैं तो सही से करना, क्लिक बेट के साथ तो वफादारी कर, ऑडियंस के साथ ठीक है नहीं कर रहे। अब वीडियो में लिखा है 1 लाख तो झूठ बोल देना, 1 लाख के लिए, उधर भी झूठ 42,000 के लिए। 42,000 रुपए के टॉयज। गिफ्टिंग ड्राइवर अंकल, न्यू ब्रांड एप्पल वॉच, ब्रांड न्यू सॉरी एप्पल वॉच। ये मेरे को भैया ने चीज दिखाई है, ये एप्पल वॉच अल्ट्रा लगी है मेरे को दूर से, और ये एप्पल वॉच अल्ट्रा ही लग रही है मेरे को बिल्कुल। ये अल्ट्रा फर्स्ट कॉपी है। कितने की भैया ये? 2200। कट गया ड्राइवर अंकल, वो चूना लगा दिया। अल्ट्रा वॉच पत्रा वॉच दिया आपको। 90,000 का क्लिकबेट डाल के 2200 की वॉच चिपका दी है। अंकल आप भी बदला लो किसी ने, इसको खिलौनों की दुकान की जगह पे ना गार्डन में ले गया, बोलो दूसरे बच्चों के साथ खेल, चल स्टारबक्स बोल के टपरी पे ले जाओ, एयरपोर्ट बोल के स्टेशन ले जाओ इसको। देखो ड्राइवर अंकल के साथ क्लिकबेट मत कर, जितना कंटेंट ड्राइवर अंकल दे रहे हैं ना तेरे को कोई नहीं दे रहा है। ड्राइवर अंकल ओरिजिनल लगते हैं, तू फर्स्ट कॉपी लगता है। ये ना फिलहाल एक जिमनी है जो कि है 2 डोर वाली, और ऐसे ही फिलहाल ब्राबस एडिशन आती है ये, और एक बार इसकी आपको एक लुक दिखाता हूँ कितनी सही लगती है। ये देखो पूरी इन्होंने ह्यूज बनवा रखी है, इसमें लगी हुई देखो सस्पेंशन इतनी उठी हुई है गाड़ी, और पीछे से देखो आओ तो यहाँ पे देखो ब्रांडिंग है ब्राबस की, यहाँ पे भी देखो, और मेरी बिल्कुल हाइट मैच कर रही है, मतलब फिलहाल आई एम 6 फीट। जब भी नॉर्मली कोई व्लॉगर गाड़ी की बात करता है ना तो उसके RPM, कॉइल को वगैरह वगैरह फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन ये रील से हमें ये जानने मिला कि भाई की हाइट 6 फीट है, बाकी गाड़ी गई बाल में। अब जिस हिसाब से वो सारी चीजों को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता है, हाइट उसकी 5-8 होगी। अच्छा नीचे देख लेवल पे खड़ा है, और 2 इंच कम करो 5-6 हो गई। भाई के झूठ में भी इंसेप्शन है, आप एक झूठ पे फोकस करने आओगे तब तक 3-4 झूठ उड़ के आते हैं सामने। इसका CA दुनिया का सबसे कंफ्यूज CA रहेगा, को लगा था इधर तो असेट्स और लायबिलिटीज टैली करने में पूरा जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन ये तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस से ही बाहर नहीं आ रहा है। ये बंदे को अगर ATM से पैसा निकालने हो ना, पहले ATM तक जाने के लिए गाड़ी खरीदेगा, उस गाड़ी से पहले स्टारबक्स जाएगा और 500 की ओवर प्राइस कॉफी पिएगा। क्या कोई उसको मन होएगा कि अभी कोई और गाड़ी में जाते हैं तो और गाड़ी लेगा, वो गाड़ी का 8 वीडियो बनेगा, फिर वो गाड़ी खराब होगी, वो गाड़ी का 8 वीडियो बनेंगे, फिर वो गाड़ी बेचने निकालेंगे, वो गाड़ी का 8 वीडियो बनेंगे, फिर एक और नई गाड़ी आएगी, एंड रिपीट 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 रिपीट। इंडियन ब्लॉगर्स, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए तेरे को 8 वीडियो लग रहे हैं, तू यूट्यूबर है, तारक मेहता है। फाइनली वी हैव बुक्ड बुगाटी चिरॉन एपिसोड 1 एपिसोड, सॉरी भाई ये सब मेरे को मालूम नहीं रहता, अपने पास SUV है, सिस्टम पार देंगे। क्या बोलूं? तो बोलो, आपका मूड खराब लग रहा है मेरे को। मेरा मूड बहुत फ्रेश है भाई, अगर ये फ्रेश है खराब मूड क्या होगा। ये YPM के ड्राइवर अंकल ने जो ऑलमोस्ट सारे व्लॉग्स में नजर आते हैं, ऐसा लग रहा है YPM एक और वर्ड बोला ना उधर ही चमाट खाएगा। मेरे को लग रहा है ये ड्राइवर नहीं है, बेबी सीटर है उसका, प्रमोशन मांग रहा होगा तो ड्राइवर बना दिया होगा। Episode 2 बुगाटी चिरॉन से सरप्राइज कर दिया। क्या हो गया अंकल जी? कुछ नहीं, आप थोड़े उदास लग रहे हो मेरे को। नहीं मैं क्यों उदास रहूं? आप उदास कभी नहीं होते जिंदगी में। नहीं अभी ऐसा कर दो भाई। अंकल हर सुबह को सेम मूड में क्यों है, समझ ही नहीं रहा, खुश है उदास है भड़के हुए। प्रॉपर ऑटो तो ला रहे हो पी करके? नहीं नहीं यहाँ पे खड़ी है। बना ले यार, बना ले, ये बना दे इसको। अरे भाई मैंने भाई ये क्या हो गया, ये स्टाइल अब सही बात सुनो, कथाकार इस कहानी से ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर एक रिक्शा वाला शराब पीकर रिक्शा चलाता है तो वो बुगाटी चलाने वाली फील से कोई कम नहीं। इतना बड़ा ब्लॉग लेकिन बुगाटी का सरप्राइज नहीं दिखा मेरे को, क्या रे बुगाटी, मैं सरप्राइज हो गया। मतलब भाई ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन से ब्लॉग भर देता है ना ब्लॉग की लेंथ खींचने के लिए, जो नॉर्मली बताने से पहले एक ट्रिगर्ड वार्निंग का डिस्क्लेमर देना चाहिए, जैसे कि ये मासी हमेशा बिना नहीं रहती है घर के अंदर, कभी नहाती ही नहीं है। Episode 4 बुगाटी चिरॉन लेने के लिए दुबई पहुंच गए। 9:30 बज रहे हैं, मैं तो मस्त यार आधा पौना घंटा सो गया, और मेरी जो मतलब पूरी रात की नींद है ना वो बराबर हो गई। अच्छा ठीक है समझ गया। 1 नंबर की नींद आई है, 4 बज रहे हैं और कुछ लगभग 1.5 घंटा में सोया हूँ। कोई बात नहीं यार, बंदा लाइफस्टाइल ब्लॉगर है।
अपनी असली लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं करेगा तो और क्या करेगा यार। ये चीज MRP पे मिल गई, वैसे 50,000 रुपए के बेच रहे हैं इंडिया में, और यहाँ पे क्या बात। नहीं बोल कितने की बेच रहा है। कैमरा के पीछे मुंह बंद हुआ तो हम समझेंगे नहीं क्या ये क्यों हुआ। यार ना बोलने के दो वजह हो सकते हैं। एक तो ये प्राइस इतनी कम है कि उसको बोलने में शर्म आ रही है, या तो ये दिरहम से रूपी में कन्वर्ट करते करते इसका माइंड ढक दिया। हम जैसे लोगों के लिए होता है सेल्स टारगेट, ये परचेस टारगेट लेके घूमता है। बुगाटी की डिलीवरी लेने के लिए शॉपिंग कर दी। एपिसोड 6। तो जिसकी डिलीवरी के लिए पूरा परिवार दुबई आया है उसकी डिलीवरी के लिए शॉपिंग कर रही है क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बच्चे की डिलीवरी के लिए दूसरा बच्चा, क्या क्या हो रहा है भाई। 20 में एक्चुअली आए थे और तब से अब तक कह रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे आ गया चेंजेस। बट यार चलो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट, दिखाता हूँ। इसका ड्राइवर भी वो इंडिया वाले ड्राइवर जैसा मुंह बना रखा है। मैंने बहुत कैब ड्राइवर देखे जिंदगी में, लेकिन इतनी एक्यूरेसी के साथ सेम एक्सप्रेशन। फाइनली 8 एपिसोड के इंतजार के बाद यद्दू भाई बुगाड़ी में बैठ गए। आपको लैम्बो से कंपैरिजन करके इसमें कैसा लग रहा है? इसमें आपको लग्जरी नहीं ज्यादा फील होगी? मुझे तो दोनों ही सेम लग रही हैं। या तो एपिसोड यस, इसमें पापा मम्मा मैं बुगाटी चलाने वाले हैं शिरोन। झूठ पे झूठ पता है YPM Vlogs और Amazon में क्या फर्क है? Amazon के पास 30 डे रिटर्न पॉलिसी है, यहाँ जो गया हो गया, वेस्ट। देखने वालों का टाइम भी और दुबई वालों का वीजा भी। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि इंसान को वो कार्य करने चाहिए जिसमें उसको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। और मुझे क्या पता कि भाई को क्लिकबेट करने में 7 जन्म का सुख मिलता है। Oh God. I am selling my Lamborghini and Audi. मैं थक गया भाई, मैं थक गया, मुझे छुट्टी दे दो, मैं थक गया। क्या बात हो रही है, क्या हो गया? आपस की बात हो रही है, कैमरा लेके निकल आते। बेटा इतनी बेइज्जती मारूंगा ना। बहुत अलग चीज मैंने ली है, तो वो चीज तो अपनी गैराज में ऐड ऑन हो ही जाएगी। तो अंकल जी S4 को सेल करने का प्लान, इसको सेल करने का प्लान चल रहा है। तो भाई ड्राइवर अंकल से कंटेंट चाहिए। लैम्बो ऑडी से माइलेज मिले ना मिले, ड्राइवर अंकल से माइलेज जरूर मिलना मांगता है। बस भाई इससे ज्यादा इसको देख लिया ना, अभी के अभी जाके मेरा बैंक अकाउंट बंद करवा दूंगा मैं। चाहिए ही नहीं, पैसा ही नहीं चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। YPM अपने हर रील के एंड में कहता है ना वी गॉट इट, तब वो कमेंट्स में आई गालियों की बात कर रहा होता है। YPM के क्रेडिट कार्ड लिमिट कभी क्रॉस नहीं होती, पता है क्यों? क्लिकबेट पे पैसे थोड़ी लगते। नहीं मैं नहीं कह रहा कि इसका सारा कंटेंट सिर्फ क्लिकबेट पे चल रहा है, पेट्रोल पे भी चल रहा है। यद्दू भाई ने बुगाड़ी बुक करने से पहले उसकी कहानी 8 एपिसोड में बांट दी, लेकिन एक्चुअल कंटेंट ये 8 एपिसोड में से निकाल लो ना, एक शॉट बनेगा। YPM Vlogs अपने आप को एक लाइफस्टाइल व्लॉगर बताते हैं, बट वो नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे अंदर पैशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क हो, तो तुम भी 4 साल के अंदर 3 बार दुबई जाके अपने आप को लाइफस्टाइल व्लॉगर बुला सकते हो। आई थिंक दैट्स इट गाइस, वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड कोई भी हेट मत जाके देना बंदे को, ओके? एंड मेरे को Instagram पे फॉलो कर देना, लिंक पिन कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।